कश्मीर से हटा दिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले पर काफी चर्चा हुई। धारा 370 की वजह से अब 371 पर भी चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि 370 के बाद 371 आता है। दरअसल इस धारा के अंतर्गत भी कई राज्यों को कुछ खास अधिकार मिले हुए हैं। आर्टिकल 371 को हटाने के बाद ऐसी अफवाहें फैलाई गई कि केंद्र सरकार इसे भी हटा सकती है, जिसके बाद से एक बार फिर से चर्चा छिड़ गई है कि क्या सच में ऐसा होने वाला है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पिछले दिनों नॉर्थ ईस्ट के अपने दौरे में सभी राज्यों को साफ संदेश देने की कोशिश की कि सरकार के अनुच्छेद 371 को हटाने की कोई योजना नहीं है और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए अनेक प्रकार की रोजगार की उपलब्धता भी बनाई है। यहाँ पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, गवर्नर साहब भी हैं, सरकारी अधिकारी भी हैं। अभी अभी जब संसद के अंदर धारा 370 को विलोपित करने के लिए मैं बिल लेकर संसद के सामने उपस्थित हुआ, राष्ट्रपति के संकल्प को लेकर उपस्थित हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि विपक्ष के द्वारा धारा 370 के हटाने का कोई भी पार्टी विरोध करे, डेमोक्रेसी विरोध का अधिकार है। परंतु वहां एक मुद्दा उठा है कि आप 370 कल 371 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को उन्होंने एक संदेश देने का, नॉर्थ ईस्ट की जनता को उनको ये संदेश देने का प्रयास किया कि 371 को भी अब भाजपा सरकार हटाए। मैंने फ्लोर पर क्लैरिफाई किया है, मगर उसके बाद आज मैं आसाम में पहली बार आया हूं, नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के सामने पहली बार आया हूं। मैं 370 और 371 के बीच का अंतर समझा रहा था। धारा 370 संविधान सभा ने टेम्पररी प्रोविजन करके रखा था, अस्थाई उपबंध था, और धारा 371 टेम्पररी प्रोविजन नहीं है, विशेष प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन है। दोनों के बीच में मूलभूत अंतर है और मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 371 और 371 ए टू जे का संपूर्ण सम्मान करती है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। संगमा जी ने चिंता व्यक्त करी, संगमा जी लाउडली बोलते भी है और बारीकी से सोचते भी और थोड़े स्पष्ट वक्ता है। अच्छा हुआ संगमा जी आपने सार्वजनिक रूप से बात निकाल दी कि भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के मन में बहुत शंकाएं पड़ी हैं, क्या होगा 371 का, क्या होगा हमारे एक्ट जो बने हैं इनर परमिट के, इसका क्या होगा, कहीं इनर परमिट के एक्ट को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ओवरलैप तो नहीं कर जाएगा, ये सारी चिंताएं उन्होंने व्यक्त की। मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि 370 और 371 ये दोनों के बीच में ऊपर नीचे के अलावे कोई संबंध नहीं। 370 के बाद 371 आता है, इतना ही रिश्ता है। आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन था और 371 स्पेशल प्रोविजन है, नॉर्थ ईस्ट का अधिकार है, इसको कोई छूने नहीं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी 371 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से भी हट नहीं होगा, इसकी चिंता भारत सरकार निश्चित रूप से करती है। दरअसल अनुच्छेद 371 के तहत अलग अलग राज्यों को विशेष अधिकार और संरक्षण मिला हुआ है। इन राज्यों की खास आबादी को जनजातीय और सांस्कृतिक संरक्षण देना इसके पीछे की मुख्य वजह बताया गया है। अभी अनुच्छेद 371 के तहत 10 अलग अलग राज्यों को वहां की खास जरूरत के हिसाब से खास अधिकार प्राप्त है। इसमें प्रावधान है कि जरूरत पड़ने पर किसी भी राज्य क्षेत्र को संविधान के तहत अलग से अधिकार दिए जा सकते हैं। सरकार लगातार कह रही है कि अनुच्छेद 370 और 371 को एक ही तरीके से देखना सही नहीं है और दोनों में बुनियादी अंतर है। दोनों अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से ही संविधान का हिस्सा है। अनुच्छेद 371 के तहत 10 राज्यों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। सरकार का तर्क है कि ये बताया जा चुका है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी है, जबकि अनुच्छेद 371 विशेष सुविधा है, लेकिन विपक्ष सरकार के इस दावे और नियत पर सवाल उठा रहा है।
यही कारण है कि बीजेपी मजबूती से उन जिलों में जाकर खास संदेश देने का अभियान चला रही है कि ऐसा करना उनके एजेंडे में बिल्कुल नहीं है। आपको ये भी बता दें कि किन राज्यों को मिले हैं कौन से अधिकार। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ये अधिकार कुछ व्यापक है। नागालैंड में इसके तहत कई खास रियायतें हैं। इसी कारण नॉर्थ ईस्ट में इस अनुच्छेद को लेकर अधिक चर्चा रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका दायरा सिर्फ वहां तक ही सीमित है। इस धारा के अंतर्गत महाराष्ट्र तक को भी सुविधा हासिल है। इसके तहत सबसे अधिक अधिकार नागालैंड को हासिल है, जहां बाहर से कोई जाकर जमीन नहीं खरीद सकता और संसद के पास कई कानून अब भी लागू नहीं होते। उनके कई कानून अपनी नागा संस्कृति और कायदे से संचालित होते हैं, और इसमें आगे का रास्ता क्या हो इस पर पिछले कई सालों से केंद्र और राज्य में इसके पैरोकारों के बीच वार्ता भी चल रही है। यही कारण है कि अनुच्छेद 370 हटा तो सबसे पहले चिंता का स्वर वहीं से आया था, लेकिन सरकार की ओर से ठोस आश्वासन मिलने के बाद अब ये मामला ठंडा पड़ने लगा है। इसी तरह सिक्किम में जमीन पर न सिर्फ पूरी तरह स्थानीय लोगों को संरक्षण मिला है, बल्कि इससे जुड़े मसले सिक्किम से बाहर की अदालत में भी नहीं जा सकते हैं। इसी तरह इसी अनुच्छेद के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक के 6 जिलों को विशेष अधिकार मिला हुआ है। इसके अंतर्गत इनके लिए कोई अलग बोर्ड गठित है और सरकारी नौकरियों में भी तरजीह मिलती है। इस अनुच्छेद को लेकर हालांकि बीजेपी लगातार सफाई दे रही है, लेकिन देखना यह है कि सरकार की सफाई से क्या ये मुद्दा शांत हो जाएगा या विपक्ष इस पर सरकार को घेरता ही रहेगा। महाभारत के युद्ध के अंदर बभ्रुवान हो या घटोत्कच हो, दोनों नॉर्थ ईस्ट थे। अर्जुन की एक शादी भी चित्रांगदा के साथ यही मणिपुर में हुई थी, और श्री कृष्ण के पोते का विवाह भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुआ था। महाराजा भगदत्त जो कौरवों के पक्ष में मारे गए वो भी नॉर्थ ईस्ट के ही थे। एक पुराना सांस्कृतिक रिश्ता देश के साथ नॉर्थ ईस्ट का है, इसमें कोई नई बात नहीं है। गुलामी के कालखंड के अंदर इसको विस्तृत किया गया। गुलामी के कालखंड के इतने साल के बाद अब समय आ गया है कि एकात्मता को हम आगे बढ़ाएं। मैं अभी भी मानता हूं कि भारत कभी भी कोई जियोपॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। हमारी पहचान भू राजनीतिक नहीं है, हमारी पहचान भू सांस्कृतिक पहचान है। अगर भू सांस्कृतिक पहचान को हम स्वीकार कर लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट और भारत को कभी कोई अलग नहीं मान सकता। मित्रों, मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में विकास जो हुआ है वो देश के सबसे विकसित क्षेत्रों को अंदर नॉर्थ ईस्ट को एक स्थान दिलाएगा। 2014 में जब जनरल इलेक्शन देश के होते थे, मोदी जी ने एक भाषण किया था, कलकत्ते में किया था, परंतु भाषण का महत्व नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा था कि देश के मानचित्र को अगर भारत माता मान ले तो 70 साल की आजादी में देश के पश्चिम हिस्से के अंदर बहुत विकास हुआ है, और पूर्व का हिस्सा कहीं न कहीं विकास की दृष्टि से छूट गया है, पिछड़ गया है। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, ये हिस्से विकास की दृष्टि से पिछड़े हैं। और हमारी प्रायोरिटी रहेगी अगर हमारी सरकार बनती है तो भारत माता की दोनों भुजाएं विकसित हो। और मुझे कहते हुए आनंद है कि 2014 से 2019 का कालखंड नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिए एक स्वर्णिम काल। नॉर्थ ईस्ट के 5 साल के विकास को और देश के 70 साल की आजादी के बाद के नॉर्थ ईस्ट के विकास की तुलना करें तो 5 साल का विकास कहीं आगे। सिर्फ धनराशि की बात नहीं करता, मैं अप्रोच की बात करता हूं। 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री एनईसी की बैठक में आया, अंत में भी मुरारजी भाई आए। किसी कांग्रेसी सरकार ने यहां आने की दरकार नहीं करी, मीटिंगें होती रही होती रही होती रही,
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और सिलोंग की मीटिंग में आए, नॉर्थ ईस्ट विकास के नक्शे पर अपने आप महत्वपूर्ण स्थान पर आ गए। और मित्रों, इसी का परिणाम है कि आज यहां 8 मुख्यमंत्री बैठे हैं। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी करना नहीं चाहता, मगर फर्क समझाने के लिए कहता हूं कि अंततोगत्वा लोकतंत्र में विकास की सर्टिफिकेशन तो लोकमत ही करता है, जनता ही करती है, और वो चुनाव के माध्यम से होता है। आज 8 मुख्यमंत्री यहां पर बैठे हैं, एक भी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के नहीं है, सभी के सभी नेडा के सदस्य यहां पर चुन कराए। वही बताता है कि 5 साल के अंदर आमूलचूल परिवर्तन, एक नया दृष्टिकोण, एक नया अभिगम नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और जहां तक एनईसी का सवाल है, अटल जी की ही सरकार थी, 2002 में एनईसी अधिनियम के अंदर संशोधन किया गया, सिक्किम को शामिल करते हुए इसको वैधानिक क्षेत्रीय योजना निकाय बनाया गया, मतलब प्लानिंग एवं पॉलिसी बॉडी बनाया गया। पहले एडवाइजरी स्वरूप होता, अब इसको प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के, पॉलिसी बनाने के भी अधिकार एनईसी को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी किया।